अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। नाम सुनकर आपको भी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां याद आई होगी, लेकिन यहां बताते चले कि निर्देशक पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि नाम एक जैसा है, लेकिन यह उस फिल्म का सीक्वल नहीं है। फिलहाल बता दे कि अब इस फिल्म में एक और सितारे की एंट्री हो गई है, जो फिल्म में अक्षय और टाइगर को कड़ी टक्कर देता दिखाई देगा। हिंदी सिनेमा की फिल्मों में विलेन का भी अपना एक रौब रहा है, लेकिन बदलते हुए समय में सिनेमा भी बदला है। हाल ही की कुछ फिल्मों में देखने को मिला है कि अब अलग से खलनायकों की भूमिका नहीं निभाई जाती, बल्कि ज्यादातर हीरो का किरदार अदा करने वाले अभिनेता ही विलेन की भूमिका निभाते हैं। फिलहाल बड़े मियां छोटे मियां में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई है जो न सिर्फ अभिनेता है बल्कि निर्देशक और निर्माता भी है। बता दें कि फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अभिनेता, निर्देशक और प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन ने एंट्री की है। वह फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। यानी बड़े मियां छोटे मियां में टाइगर अक्षय और विलेन पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। वही फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, जो इससे पहले टाइगर जिंदा है जैसी फिल्म दे चुके हैं। यह एक्शन थ्रिलर होगी जिसे हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम यानी पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट तो जारी नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स है कि निर्माता यह फिल्म साल 2023 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। यानी इस फिल्म के लिए दर्शकों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। अक्षय और टाइगर की इस आगामी फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट में बताइए।